हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे ब्रेड के दही भल्ले। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है इसका दही भल्ला, बहुत ही अमेजिंग कि आप खाते ही रह जाएंगे। थोड़ा ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, इसलिए हमने ज़्यादा दही नहीं लिया है। 1 पाव दही है, उसी को हम एक कटोरी में पहले अलग निकाल ले रहे हैं 4-5 चम्मच। इसमें हम अब पानी डालकर इसको पतला करके मिक्स करेंगे। आप किसी से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, हम इसी से मिक्स कर ले रहे हैं। बिल्कुल पतला इसको करना है, मोटा नहीं रखना है। इसी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारी बची हुई दही है, इसी में हम चीनी ऐड करेंगे अपने स्वाद के अनुसार, कितना आपको मीठा पसंद है। हमने 2 चम्मच मिलाया हुआ है, ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे। अब इसको इसी से हम बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। इसको ऐसे मिक्स करेंगे इतना कि ये बिल्कुल क्रीम की तरह दिखने लगे, क्रीमी जैसा मिक्स हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको भी मिक्स करने के बाद अब एक तरफ इसको रख देंगे। अब हम लिए हैं 5-6 ब्रेड लिए हैं, और इसके किनारों को हम काट के निकाल देंगे, अलग कर देंगे। इसी तरह से इसके सारे ब्रेड के किनारों को काट के निकाल देंगे, क्योंकि इसका ये किनारा बहुत हार्ड रहता है। अब बीच वाला पार्ट चाहिए हमको जो कि सॉफ्ट रहता है। अब हमारा ब्रेड के सारे किनारे कट चुके हैं। अब इसको हम पतली वाली दही जो घोल बनाए हैं उसी में इसको डिप करेंगे। ब्रेड हमारा बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल आराम से इसको डिप करिएगा, टूट भी सकता है। अब इसको हम हथेली पर रख कर इसका दही अच्छे से निचोड़ लेंगे, बहुत अच्छे से। दही निचोड़ने के बाद अब इसमें हम 2-4 काजू रखेंगे और 2-4 किशमिश रख कर इसको बंद कर देंगे, और इसका गोल गोल बिल्कुल गोली बना कर रख लेंगे। सारे ब्रेड को इसी तरह से दही में डिप करके उसको निचोड़ के फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के बंद करके उसकी गोलियां तैयार करके इसी तरह से हम 4-5 गोलियां इसी की ऐसे गोल गोल बना लेते हैं। ये देखिए हमारी गोलियां सब बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत ही जल्दी दही भल्ला बन के तैयार होता है ब्रेड का। इसी तरह से इसके ऊपर मैंने गार्निश के लिए सामान तैयार किया। भुना जीरा मैंने पहले से ही भून लिया हुआ है, उसको पीस कर रख लिए हैं, काली मिर्च पीस कर रख लिए हैं, सब इसी पर गार्निश करेंगे। ये देखिए हमारे भल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। अब इस पर हम जो मीठी दही बनाए हुए हैं घोल इसका, अब इसको डाल देंगे इसी पर। दही भल्ले बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं। अब हम इस पर भुना हुआ जीरा जो पीस कर रखे हैं वो डालेंगे, काली मिर्च पिसी हुई डालेंगे। हमारे पास इमली नहीं था, इसलिए मैंने गुड़ को गर्म करके उसमें खटाई पाउडर डाल के हल्का सा काला नमक डाल के इमली तैयार किया हुआ है। उसका खट्टा मीठा सा स्वाद बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अब इस पर हम गुड़ की चटनी डाल देते हैं। इमली की चटनी नहीं है तो गुड़ की चटनी है, इसी को डाल देते हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, ये तीखा नहीं होता है। इसके ऊपर अब हरी चटनी भी डाल देंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है इसके डालने पे। बहुत ही टेस्टी दही भल्ले बनकर तैयार हुए हैं। इसको पकाना भी नहीं पड़ता है, बस ब्रेड ले आइए और दही लीजिए, उसको मिक्स करिए, और हमारे टेस्टी से दही भल्ले बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।